व्हाट इज योर लिटिल वन, योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है, भय भो भो शी कुड स्टमर फेबर नो फर्दर देन दैट, वह हकलाई और इससे ज़्यादा भय भय भो इससे ज़्यादा नहीं बोल सकी। देन सेन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आईज इन द हेल्पलेस फ्लड, तब वह शी बिगेन टू क्राई वह चिल्लाने लगी और उसके आँखों से असहाय आंसू बह चले। शी केप्ट हर हेड डाउन उसने अपना सिर नीचे रखा, एज ही सेट इन हर कॉर्नर वह अपने कोने में बैठी हुई थी। वेन स्कूल बेल रेंग जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल गर्ल स्कूल्ड ऑफ आउट क्लासरूम सारी लड़कियां तेजी से बाहर दौड़ गई, स्कूल मानी तेजी से बाहर जाना। भोली डे नॉट लीव हर कॉर्नर भोली को अपना कोना छोड़ने का साहस नहीं हुआ या हिम्मत नहीं हुई। हर हेड स्टिल लॉर्ड उसका सिर अब भी झुका हुआ था। भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग भोली के अध्यापक की जो आवाज़ थी इतनी कोमल और आराम देने वाली थी। इन हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट अपने जीवन में उसे इस प्रकार कभी नहीं पुकारा गया। इट टच हर हार्ट ये आवाज़ जो है उसके हृदय को छू गई। गेट अप सेड द टीचर अध्यापिका ने कहा खड़ी हो। इट वाज नॉट ए कमांड यह एक आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन केवल एक मित्रवत सुझाव था। भोली गोतप भोली उठी, नाउ टेल मी योर नेम अपना नाम बताइए। कमांडमेंट्स आज्ञा देना, फ्रेंडली मित्रवत, सजेशन सुझाव, गोतप उठी। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी पसीना उसके शरीर पर आ गया। वुड हर स्ट्रमिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर क्या हकलाती हुई जुबान उसे फिर लज्जित करेगी। डिसग्रेस मीन्स लज्जित कर, स्ट्रमिंग हकलाती हुई आवाज़ फिर उसे लज्जित करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वोमेन इस दयालु औरत के लिए, हाउ एवर फिर भी, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट्स उसने प्रयास करने का निश्चय किया। शी है सच ए सूदिंग वॉइस यह एक उसकी आवाज़ ऐसी कोमल थी आरामदायक थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर वह उस पर हंसेगी नहीं। भय भय भो भो शी बिगेन टू स्टमर भय भय भो भो वह हकलाना शुरू किया। वेल डन टीचर एनकरेज हर अध्यापिका ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा शाबाश शाबाश कम ऑन नाउ अब चलो द फुल नेम पूरा नाम बताओ। तो भय भय भो भो एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट अंत में वह भय भय भोली कहने में सफल हो पाई या सफल हो गई और फेल्ट रिलीफ उसने ऐसा आराम महसूस किया मानो इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट ये एक महान उपलब्धि थी। वेल डन द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली अध्यापिका ने सने से उसका सिर थपथपाया एंड सेड और कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट अपने हृदय से भय को बाहर निकाल दो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स आप अन्य की तुलना में बोलने में समर्थ हो जाओगी। भोली लुक्ड अप भोली ने ऐसे ऊपर देखा जैसे टू आस्क डियरली
कि वास्तव में सच। यस यस इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम जो है हमेशा विद्यालय आओगी। विल यू कम, क्या तुम विद्यालय आओगी। भोली नोडिड, भोली ने हाँ में सिर हिलाया। नो से इट अलाउड, नहीं इसे जोर से कहो। ये यस एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टनिश्ड, भोली स्वयं आश्चर्यचकित हो गई और उसने कहा ये यानी हाँ, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और वह इसे कहने में सफल हुई। डिडंट आई टेल यू, क्या तुम मुझे नहीं बताया। नाउ टेक दिस बुक, कि तुम अब ये पुस्तक ले लो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्या तुम ये पुस्तक ले लो। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, वह पुस्तक जो थी अच्छी अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर वर इन कलर, और तस्वीरों में रंग था। डॉग कैट गोट हॉर्स पैरट टाइगर ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, कुत्ता बिल्ली बकरी घोड़ा तोता और बाघ और लक्ष्मी जैसी का गाय। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज वर्ड एवर, और हर पिक्चर के साथ एक अक्षर था। इन वन मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम इसको पढ़ पाने में समर्थ हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, मैं आपको एक बड़ी पुस्तक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर, उसके बाद और बड़ी। इन टाइम, और समय आने पर यू विल बी मोर लर्निड देन एनी एल्स गर्ल, और गांव में तुम अन्य लड़कियों की तुलना में ज़्यादा विद्वान हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी व्यक्ति तुम पर हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें आदर के साथ सुनेंगे। और यू विल एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटेस्ट स्टमर, तुम हल्की सी हकलाहट के बिना बोलने में समर्थ हो पाओगी या समर्थ हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ। कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल जल्दी सुबह वापस आ जाना। भोली फेल्ड एज इफ, भोली ने ऐसे महसूस किया मानो सडनली ऑल द बेल इन द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर की सारी घंटियां व रिंगिंग बज रही थी। एंट्री इन द फ्रंट ऑफ स्कूल हाउस, और घर के भवन विद्यालय भवन के सामने पेड़ों पर हैड ब्लॉसम इन टू बिग रेड फ्लावर, और जो फूल थे वो लाल फूलों में खिल गए, या पेड़ों पर जो है फूल खिल गए। हर हार्ट वाज ट्रबलिंग, उसका हृदय मतलब धक धक यानी जोर से धक धक कर रहा था। विथ न्यू होप एंड न्यू लाइफ, नई आशा और नए जीवन से। दस इस प्रकार द ईयर पास्ट, वर्षों गुजरते गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, वह गांव एक छोटे कस्बे में बदल गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, छोटी जो है प्राथमिक विद्यालय बड़ा यानी हाई स्कूल में बदल गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, और टिन शेड के नीचे अब एक सिनेमा घर हो गया। एंड ए कॉटन जेनिंग, एक कोट यानी ऊन को काटने वाली मशीन भी मिल वहाँ मील भी लग गई।
द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और मालगाड़ी भी जो है उनके रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू कर दिया, वो भी रुकने लगी। वन नाइट, एक रात्रि को, आफ्टर डिनर, रात्रि के भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन तब, शैल आई एक्सेप्ट दिसंबर प्रपोजल, क्या मैं दिसंबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँ। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, हाँ निश्चित रूप से, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल डू डू ब्राइड ग्रूम, भोली ऐसे संपन्न यानी धनवान दूल्हे को पाकर भाग्यशाली होगी। ए बिग शॉप, ए हाउस हिज ओन, एक बड़ी दुकान, उसका खुद का घर, आई हियर, मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड इन बैंक, बैंक में भी कई हजारों रुपये, मोर ओवर, इसके बावजूद ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, वह कोई दहेज के बारे में भी मांग नहीं कर रहा है, डोरी मीन्स दहेज, दैट्स राइट, ये तो ठीक है, बट लेकिन, ही इज नॉट सो यंग, वह युवा नहीं है, यू नो, तुम जानती हो, आलमोस्ट द सेम एज आई एम, वह मेरी जितनी उम्र का है, ही आल्सो लिम्प, वह लंगड़ाता है, मोर ओवर, इसके बावजूद, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी बड़े हो गए हैं, ग्रोन अप माने बड़े हो गए, तो लिम्स माने लंगड़ाना, मोर ओवर, इसके बावजूद, सो इसलिए, वाट डज इट मैटर, तो इसमें क्या बात है, हिज वाइफ रिप्लाई, उसकी पत्नी ने कहा, 45 or 50, इट इज़ नॉट ए ग्रेट एज फॉर मैन, 45 या 50 पुरुष के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है, वी आर लक्की, हम भाग्यशाली हैं, दैट की ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, वह दूसरे गांव से है, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पिक मार्क्स, वह उसके चेचक के दाने के मार्क धब्बों के बारे में भी नहीं जानता, हर लेक ऑफ सेंस, उसकी नासमझी को नहीं जानता, इफ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमेरिड लाइफ, तो जीवन में वह अविवाहित ही रहेगी। यस हाँ, बट लेकिन, आई वंडर व्हाट भोली विल से, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि भोली क्या कहेगी, What will that witless one say? ये मूर्ख क्या कहेगी? She is like a dumb cow. वह एक गूंगी गाय के समान है. या मूक गाय के समान है. Maybe you right. हो सकती हो तुम सही हो. Muttered रामलाल. रामलाल धीरे धीरे बोला. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली जाकर अपने बिस्तर पर ये लेटी लेटी ये बातें सुन रही थी, अपने माता पिता की जो धीरे धीरे बातें थी, कानाफूसी जो बातें कर रही थी, उसको सुन रही थी, कन्वर्जन बातें विस्पर धीरे धीरे। विश्वंबर नाथ वाज वेल टू डू ग्रोसर, विश्वंबर नाथ एक संपन्न यानी धनवान पंसारी था, ग्रोसर मानी पंसारी व्यापार, ही केम विथ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड एंड रिलेशन, वह अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ बड़ी पार्टी के साथ शादी करने के लिए आ गया, ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम इंडियन फिल्म, और एक पीतल का बाजा यानी उसके किसके आगे ये प्रसिद्ध धुन जो है झुलस के आगे बजाता बजाता आया, विद द ब्राइड ग्रूम रीडिंग डेकोरेटेड, एक सजे हुए दूल्हे पर बैठकर या सजे हुए दूल्हे पर सवार होके वो आया।
रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर। रामलाल ऐसे शान और शौकत को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम, उसने कभी स्वप्न में नहीं सोचा दैट कि हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी बेटी की ऐसे धूमधाम से शादी होगी। भोली इल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक, और भोली की बड़ी बहने कि ऐसे मौके पर उसके भाग्य को देखकर क्या होने लगी, उसको ईर्ष्या होने लगी।